हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टॉक एक्सपर्ट्स में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं IRCTC से रिलेटेड, इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडियन रेलवे से रिलेटेड। दोस्त, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, और अगर आज आप इसके शेयर में देखेंगे तो 9% के अप टू 9% के आसपास इसमें हमें गिरावट देखने को मिल रही है, और ये गिरावट बहुत ही ज़्यादा है दोस्तों किसी भी शेयर के लिए। इसी का रीज़न हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बट उससे पहले, अगर आप हमारे चैनल आके देखेंगे तो हम आपके लिए शेयर मार्केट से रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं, तो आप ये शेयर मार्केट के वीडियो जरूर ट्राई कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, अगर आप इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि IRCTC NSE में लिस्टेड शेयर की बात करेंगे तो फिलहाल इसकी प्राइस 1468 रुपीज़ के आसपास है, और फिलहाल मार्केट ऑन है क्योंकि 2:30 बज रहे हैं यानी 2:30 हो रहा है, और मार्केट क्लोज होने में अभी थोड़ा सा टाइम बाकी है। और दोस्तों, अगर हम इसमें देखें तो इसमें हमें अप टू 13% के आसपास गिरावट देखने को मिली। फिलहाल ये गिरावट 9% के आसपास है, और इसका रीज़न दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप अगर अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे पढ़ पा रहे होंगे तो IRCTC गवर्नमेंट टू सेल अप टू 20% स्टेक वाया OFS, फ्लोर प्राइस सेट एट 1367 पर शेयर। दोस्तों, गवर्नमेंट अपना शेयर बेचना चाहती है और इसमें 20% स्टेक वो बेचेगी, और इसे OFS के ज़रिए बेचा जाएगा, और इसका प्राइस 1367 पर शेयर तय किया गया है। दोस्तों, ये न्यूज़ के बारे में मैं आपको पूरी खबर देता हूँ। अगर आप यहाँ पे नीचे आके पढ़ पा रहे होंगे तो IRCTC शेयर सेल विल टेक प्लेस ऑन सेपरेट विंडो ऑफ स्टॉक एक्सचेंज ऑन December 10 एंड December 11, यानी कि 10 तारीख और 11 तारीख, आज के दिन और कल के दिन भी IRCTC के स्टॉक ये जो सेल में आए हैं 20% वो सेल होने वाले हैं। और इसका अगर मैं आपको बताऊं एग्जैक्ट रीज़न, तो आप यहाँ पे पढ़ पा रहे होंगे, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ प्रपोज सेलिंग अप टू 2.4 करोड़ शेयर्स इन IRCTC रिप्रेजेंटिंग 15% ऑफ द पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल ऑन द कंपनी थ्रू ऑफर ऑन सेल रूट। दोस्तों, 2.4 करोड़ यानी एक छोटा अमाउंट नहीं है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा अमाउंट है। 2.4 करोड़ शेयर्स IRCTC के यानी कि 15% शेयर OFS के ज़रिए बेचे जाएंगे। और दोस्तों, अगर मैं आपको इसका एग्जैक्ट रीज़न बताऊँ तो मैं आपको इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न में लाना चाहूँगा। आप यहाँ पे अगर प्रमोटर्स की होल्डिंग देखेंगे तो वो 87.4% के आसपास है, जो कि गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा है। गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से किसी भी कंपनी में IPO के ज़रिए अगर वो शेयर आता है तो उस कंपनी में 75% से ज़्यादा प्रमोटर होल्डिंग नहीं हो सकती है, और इसमें देखें तो 87.4% के आसपास प्रमोटर होल्डिंग है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। और इसी को कम करने के चक्कर में अगर हम देखें तो ये फैसला लिया गया है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ प्रपोज सेलिंग अप टू 2.4 करोड़ शेयर यानी कि 15% के आसपास का ये शेयर सेल करेंगे। और इसमें अगर मैं आपको बताऊँ तो गवर्नमेंट has also proposed an additional share sale of 0.8 crore shares representing 5% of the paid up equity shares capital. 0.8 crore share यानी कि 80 लाख के आसपास शेयर यानी कि 5% पेड अप इक्विटी शेयर के जरिए कैपिटल के जरिए निकाला जाएगा, और अंडर इन द इवेंट ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन कम्बाइंडली द बेस ऑफर साइज एंड द ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ ऑफर ऑप्शन रिप्रेजेंट्स 20% ऑफ द आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी ऑफ 3.2 करोड़ शेयर्स। दोस्तों, ये दोनों अगर शेयर मैं आपको बताऊं तो ये 2 दिन में होगा, December 10 और December 11 यानी आज और कल के ज़रिए। और इसका जो ऑफ़र प्राइस रखा गया है, फ्लोर प्राइस अगर मैं आपको बताऊं, ऑफ़र शेल बी 1367 पर शेयर, और द अंडर द ऑफ़र ऑफ द सेल रूट इज़ एट 16% डिस्काउंट ऑफ टुडेज क्लोजिंग प्राइस, यानी आज के क्लोजिंग प्राइस से 16% डिस्काउंट पे दिया जाएगा। और दोस्तों, अगर हम देखें तो इसी के वजह से आज IRCTC के शेयर में हमें ये गिरावट देखने को मिल रही है, जो 9% के आसपास चला गया है। लेकिन दोस्तों, इससे रिलेटेड एक अच्छी न्यूज़ आ रही है, उसे मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो IRCTC शेयर्स गुड अपॉर्चुनिटी टू अकुमुलेट नाउ सेज कैपिटल वाया। कैपिटल वाया का कहना है कि फ़िलहाल ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर हम देखें तो यहाँ पे इसका भी मैं आपको बताना चाहूँगा थोड़ा सा है, IRCTC शेयर्स टुडेज फेल एज मच एज 13% टू 1405 रुपीज़ आफ्टर द गवर्नमेंट अनाउंस दैट इट विल बी सेल अप टू 20% स्टेक। दोस्तों, ऑफर फॉर सेल के ज़रिए अगर हम देखें तो 20% स्टेक गवर्नमेंट सेल करने वाली है,
और इसका अगर हम देखें तो 13% के आसपास हमें गिरावट देखने को मिली। दोस्तों अगर आप यहाँ पे पढ़ पा रहे होंगे तो गवर्नमेंट वुड डाइवेस्ट 15% इक्विटी विथ 5% ग्रीन शू ऑप्शन, द ओएफएस, द ऑफर फॉर सेल विल बी ओपन फॉर नॉन रिटेल इन्वेस्टर को 10 तारीख को होगा, वाइल रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ये 11 तारीख को होगा। द फ्लोर प्राइस इज एट 15% डिस्काउंट वेनसडे के क्लोजिंग अमाउंट से, यानी कि जो कि कल हुआ था उसका क्लोजिंग के बाद से 15% डिस्काउंट पे दिया जाएगा। और IRCTC के लिए एक गुड अपॉर्चुनिटी इसलिए हो सकती है क्योंकि दोस्तों अगर हम देखें तो IRCTC की पहली बात तो इंडियन रेलवे में मोनोपोली है, और उसी के साथ साथ अगर हम देखें तो फिलहाल COVID-19 की वैक्सीन की बात हो रही है और वो भी अच्छी बात है। उसके बाद से यहाँ पे ट्रैवल इंडस्ट्री में बहुत ही अच्छा फर्क पड़ेगा। उसके बाद से अगर हम देखें तो IRCTC के लिए अच्छी बात हो सकती है। बट दोस्तों ये आपका डिसीजन है कि आप किस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, किस में नहीं करना चाहते। और इसी के साथ दोस्तों हम आज का वीडियो समाप्त करेंगे, बट उससे पहले आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।